जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ शिवलिंग और शालिग्राम का रहस्य। जानिए, हिंदू धर्म के तीन प्रमुख देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। साधारण मानव ने तीनों को प्रगति तत्वों में खोजने का प्रयास किया है। तीनों के ही मनुष्य ने साकार रूप गढ़ने के लिए सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा को शंख, शिव को शिवलिंग और भगवान विष्णु को शालिग्राम रूप में सर्वोत्तम माना है। उल्लेखनीय है कि शंख सूर्य व सूर्य चंद्र के समान देव स्वरूप है, जिसके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा तथा अग्र में गंगा और सरस्वती नदियां का वास है। गौरतलब है कि हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान का विग्रह रूप माना जाता है और पुराणों के अनुसार भगवान के इस विग्रह रूप की ही पूजा की जानी चाहिए। शिवलिंग जहाँ भगवान शंकर का प्रतीक है, तो शालिग्राम भगवान विष्णु का। शिवलिंग के तो भारत में लाखों मंदिर है, लेकिन शालिग्राम जी का एक ही मंदिर है। आओ जानते हैं आखिरकार क्या है शिवलिंग और शालिग्राम जी की उत्पत्ति और पूजा का रहस्य। शालिग्राम का मंदिर। शालिग्राम का प्रसिद्ध मंदिर मुक्तिनाथ में स्थित है। यह वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह तीर्थ स्थान शालिग्राम भगवान के लिए प्रसिद्ध है। मुक्तिनाथ की यात्रा काफ़ी मुश्किल है। माना जाता है कि यहाँ से लोगों को हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल सक जाती है। मुक्तिनाथ नेपाल में स्थित है। काठमांडू से मुक्तिनाथ की यात्रा के लिए पोखरा जाना पड़ता है। वहाँ से यात्रा शुरू होती है। पोखरा के लिए सड़क या हवाई मार्ग से जा सकते हैं। वहाँ से पुनः जोम सोम जाना होता है। यहाँ से मुक्तिनाथ जाने के लिए आप हेलीकॉप्टर या फ्लाइट ले सकते हैं। यात्री बस के माध्यम से भी यात्रा कर सकते हैं। सड़क मार्ग से जाने पर पोखरा पहुंचने के लिए कुल 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। शालिग्राम को जाने शिवलिंग की तरह शालिग्राम भी बहुत दुर्लभ है। अधिकतर शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ काली गंडकी नदी के तट पर पाया जाता है। काली और भूरे शालिग्राम के अलावा सफ़ेद, नीली और ज्योतियुक्त शालिग्राम का पाया जाना तो और भी दुर्लभ है। पूर्ण शालिग्राम में भगवान विष्णु के चक्र की आकृति अंकित होती है। शालिग्राम के प्रकार। विष्णु के अवतारों के अनुसार शालिग्राम पाया जाता है। यदि गोल शालिग्राम है तो वह विष्णु का रूप गोपाल है। यदि शालिग्राम मछली की आकार का है तो यह भी विष्णु के मत्स्य अवतार का प्रतीक है। यदि शालिग्राम कछुए के आकार का है तो यह भगवान के कच्छप और कुर्म अवतार का प्रतीक है। इसके अलावा शालिग्राम पर उभरने वाले चक्र और रेखाएँ भी विष्णु के अन्य अवतारों और कृष्ण के कुल के लोगों को इंकित करती हैं। इस प्रकार लगभग 33 प्रकार से शालिग्राम होते हैं, जिनमें से 24 प्रकार के विष्णु और 24 अवतारों से संबंधित माना गया है। माना जाता है कि सभी 24 शालिग्राम वर्ष की 24 एकादशी व्रत से संबंधित हैं। धन्यवाद मेरे चैनल को। शिवलिंग। शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, तो जराधारी को माता पार्वती का प्रतीक। निराकार रूप में भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ओम नमः शिवाय यह भगवान का पंचाक्षरी मंत्र है। इसका जप करते हुए शिवलिंग का पूजन या अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र और शिव सोस का पाठ किया जाता है। शिवलिंग की पूजा का विधान बहुत ही विस्तृत है। इसे किसी पुजारी के माध्यम से ही संपन्न किया जाता है। शिवलिंग पूजा के नियम। शिवलिंग को पंचामृत से स्नानादि कराकर उन पर भस्म से 3 आड़ी लकीरों वाला तिलक लगाएं। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन जलाधारी पर हल्दी चढ़ाई जा सकती है। शिवलिंग पर दूध, जल, काले तिल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ाएं। केवड़ा तथा चंपा के फूल ना चढ़ाएं। गुलाब और गेंदा किसी पुजारी से पूछकर ही चढ़ाएं। कनेर, धतूरे, आंख, चमेली, जूही के फूल चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता। सामने रखा गया प्रसाद अवश्य ले सकते हैं। शिवलिंग नहीं, शिव मंदिर की आदि परिक्रमा ही की जाती है। शिवलिंग के पूजन से पहले पार्वती का पूजन करना जरूरी है। शिवलिंग का अर्थ। शिवलिंग को नाद और बिंदु का प्रतीक माना जाता है। प्राणों में इसे ज्योतिर्बिंद कहा जा गया है। प्राणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभ लिंग, अग्निस्तंभ लिंग, ऊर्जा स्तंभ लिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभ लिंग आदि। शिव का अर्थ परम कल्याणकारी शुभ और लिंग का अर्थ है सृजन। ज्योति वेदों और वेदांत में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है। मन, बुद्धि,
पांच इंद्रियां, पांच कर्मेंद्रिय और पांच वायु ब्रह्मगति के बीच स्थित हमारी आत्मा, या कहें कि हम स्वयं भी इसी तरह के बिंदु रूप ब्रह्मांड का प्रत्येक शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाश गंगा की तरह है। यह शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे पिंडों का प्रतीक है। वेदानुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्मलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा माया जीव मन बुद्धि चित्त अहंकार आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योति पिंड कहा गया है। अरुणाचल है प्रमुख शिवलिंगी स्थान। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग ज्योति प्रकट किया था। इस लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी तरह से शिव के परब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक रूप में लिंग की पूजा आरंभ हुई। यह घटना अरुणाचल में घटित हुई थी। आकाशीय पिंड। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार विक्रम संवत से कुछ सहस्त्राब्दी पूर्व संपूर्ण धरती पर उल्कापात का अधिक प्रकोप हुआ। आदि मानव को यह रुद्र का आविर्भाव दिखा। जहाँ जहाँ ये पिंड गिरे वहाँ वह इन पवित्र पिंडों की सुरक्षा के लिए मंदिर बना दिए गए। इस तरह धरती पर हजारों शिव मंदिरों का निर्माण हो गया। उनमें से प्रमुख ये थे 108 ज्योतिर्लिंग। संगे अश्वद। शिव पुराण के अनुसार उस समय आकाश से ज्योति पिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह के अनेक उल्का पिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। कहते हैं कि मक्का का संग ए अवसत भी आकाश से गिरा था। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।